हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो जानने के बाद आपका सारा का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूज़न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच होता है, वो सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप फिर दोबारा कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस का इस्तेमाल करते वक्त। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, इस लाइन में जितने भी सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं और ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। अब तीनों का इंग्लिश हम बनाते वक्त ये समझते जाएंगे कि तीनों में क्या फ़र्क है, हिंदी में बोलने में क्या फ़र्क होता है और इंग्लिश में बोलने में क्या फ़र्क होता है, और तीनों में सिमिलरिटी क्या है इंग्लिश में बनाने में। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस के द्वारा अगर हम इंग्लिश बनाते हुए करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, उसने खा लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, और इसी को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे तो उसने खा लिया। प्रेजेंट टेंस में किसी भी काम को पूर्णतः पूरा हो जाने की बात की जाती है कि काम पूरा हो गया है, तो उसने खा लिया है, काम पूरा हो गया है, बट लास्ट में है, हूँ, हो ज़रूर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में भी पूरा होने की ही बात की जाती है, बट उसके सेंटेंस में लास्ट में है, हूँ, हो नहीं रहता है, खाया, गया, सोया, खेला, कूदा, इस तरह से रहता है। ओके फ्रेंड्स, उसने खा लिया था, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है, हूँ रहता है, काम पूरा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में भी काम पूरा हो गया, पास्ट परफेक्ट में भी काम पूरा हो जाने की बात की जाती है, बट उसमें भी लास्ट में था, थे, थी रहेगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस रहेगा उसी में था, थे, थी लगा दो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हम इंग्लिश बनाते हुए चलते हैं। उसने खा लिया है, ही हैज़ ईटन, उसने खा लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही एट। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वी टू का इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म। अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों के दोनों सेम है, सिर्फ फर्क है हैज हैव और हैड का। ओके फ्रेंड्स, बाकी सब सिमिलर है, ओनली फर्क है तो हेल्पिंग वर्ब हैड, हैज, हैव का। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट में हमेशा हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में हमेशा हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने खा लिया था, ही हैड ईटन। अब ये दूसरा सेंटेंस है, राहुल मुंबई गया है, गया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राहुल हैज गोन टू मुंबई, राहुल मुंबई गया, उसमें भी जाने की बात की जा रही है कि वो गया, राहुल वेंट टू मुंबई, राहुल मुंबई गया था। यहाँ पर हमने क्या बनाया था, राहुल हैज़ गोन टू मुंबई, तो वहाँ हैज़ की जगह हैड लग जाएगा, राहुल हैड गोन टू मुंबई। अभी तीसरा सेंटेंस, मेरे पिताजी मुंबई से वापस आ गए हैं, माय फादर हैज़ कम बैक फ्रॉम मुंबई, मेरे पिताजी मुंबई से वापस आ गए, माय फादर केम बैक फ्रॉम मुंबई, मेरे पिताजी मुंबई से वापस आ गए थे, माय फादर हैड कम बैक फ्रॉम मुंबई। कम इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी ये जो मैं सेंटेंस बनाते हुए जा रहा हूँ इससे आपको कुछ पता चल रहा है कि तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों में किसी काम को पूरा हो जाने की बात की जा रही है, सिमिलरिटी है। मैंने बुक नहीं खरीदी है, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने बुक नहीं खरीदी है, आई हैव नॉट बाउट बुक, मैंने बुक नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय बुक। अभी इंडेफिनिट में जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड बनाते वक्त डिड का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब का पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बुक नहीं खरीदी, आई डिड नॉट बाय बुक, मैंने बुक नहीं खरीदी थी, आई हैड नॉट बाउट बुक। क्या उसने चाय पी ली है, क्या उसने चाय पी ली
हैज ही, यह इंट्रोगेटिव हो गया। किसी भी सेंटेंस का जब इंट्रोगेटिव होता है यानी क्या से शुरू होता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लिखते हैं। तो हैज ही टेकन टी, पास्ट इंडेफिनिट, क्या उसने चाय पी ली, डिड ही टेक टी। जब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसमें हम डिड पहले लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या उसने चाय पी ली, डिड ही टेक टी। क्या उसने चाय पी ली थी, हैड ही टेकन टी। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, वेयर, ये क्वेश्चन आउट हो गया, वेयर हैज योर फादर गॉन। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, वेयर डिड योर फादर गो। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए थे, वेयर हैड योर फादर गॉन। किसने पेन चुराई है, हु हैज स्टॉलन पेन। किसने पेन चुराई है, जब सेंटेंसेस में किसने यह काम किया है, किसने पेन चुराई है, कौन गया है, कौन आया है, किसने तुम्हारी मदद की है, इस तरीके से आए तो वहाँ पर हम किसने के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं। तो किसने पेन चुराई है, हु हैज स्टॉलन पेन। किसने पेन चुराई, हु स्टोल द पेन। यहाँ पर हम हु डिड स्टील द पेन ऐसा नहीं लिखेंगे, हु स्टोल द पेन। किसने पेन चुराई थी, हु हैड स्टोलन द पेन। मुंबई से कौन आया है, कौन आया है, हु हैज कम फ्रॉम मुंबई। मुंबई से कौन आया, हु केम फ्रॉम मुंबई। मुंबई से कौन आया था, हु हैड कम फ्रॉम मुंबई। अभी इन तीनों में सिमिलरिटी ये हुई कि किसी भी एक काम को पूरा हो जाने की बात तीनों टेंस में किया जाता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम किस टेंस का इस्तेमाल कब करें। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ गया है, वेयर हैज़ योर ब्रदर गोन। अगर मैं ऐसा पूछूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ गया, वेयर डिड योर ब्रदर गो, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर हमने इसलिए ये सब आपको एक्सप्लेन किया ताकि आप किसी भी टेंस का वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर ये समझ में आ जाए कि हम पास्ट इनफिनिट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे बनाया जाता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे बनाया जाता है, अगर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट की बात हम तब करते हैं जब बहुत पहले की बात की जा रही हो। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम तत्काल पूरा हुआ काम के बारे में बोल सकते हैं, बट पास्ट परफेक्ट का तत्काल पूरा हुआ काम के बारे में नहीं बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मुंबई से कौन आया था, बोलने से ही पता चलता है कि ज़्यादा देर पहले की बात पूछी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो हु हैड कम फ्रॉम मुंबई। ओके, आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम एक साथ एक ही जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, आई एट फूड, सेम, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। इसलिए आप कभी कंफ्यूज मत होना कि यार मैंने गलत बोल दिया क्या, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना था तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं। जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल भी होता है, बट हर बार नहीं लेकिन ज़्यादातर होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या वह बाज़ार गया है, हैज़ ही गोन टू मार्केट। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि क्या वो बाज़ार गया, डिड ही गो टू मार्केट, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको वहाँ पर जो भी सूट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट बोल दो, पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, जो भी पहले आपके ज़बान पर आ जा रहा है बोलो, गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा तीनों में अंतर क्या है और सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताया कीजिए कि आपको और भी क्या क्या सीखना है और किस टॉपिक पर प्रॉब्लम होता है आपको और मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊँ, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए,
हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।